अरुणाचल प्रदेश जिसको आप अपना दूसरा गृह बोलते हैं, उसमें ऐसे वक्त में जब हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मच रही है, तो आपके मुंह से दो शब्द सहानुभूति के नहीं है और ना ही आपने कोई आर्थिक पैकेज देने की बात की है। और इसीलिए मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर अखबार के माध्यम से भी ये बात उन तक मैंने पहुंचाई है, पर मुझे खेद है कि आज इतने दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें कोई भी राहत की खबर नहीं मिली और ना ही उन्होंने ऐसी घड़ी में अपने दूसरे गृह जो हिमाचल प्रदेश को मानते हैं उसमें कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो इसलिए हमें दुख है कि ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल प्रदेश में इतनी त्रासदी हुई है, जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, प्रधानमंत्री ने वहाँ भी राहत दी, भुज में जहाँ भूकंप आया गुजरात में वहाँ भी प्रधानमंत्री ने राहत दी, हमारी इतनी बड़ी त्रासदी है कि सारे हिमाचल प्रदेश को इसने हिला के रख दिया। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्यों कुछ राहत नहीं दे रहे, क्यों हमारी आर्थिक तौर से मदद नहीं कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप हमारी मदद करें, तभी हम लोगों के कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर पाएंगे, इनको राहत दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कम से कम 400 लोगों की जानें चली गई और जो नुकसान हुआ है उसका तो अनुमान लगाना भी बहुत कठिन हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अभी भी वक्त है, प्रधानमंत्री जी अगर हमारी इस बात को सुनते हैं तो अवश्य हमारी मदद करें, हम सदा उनके आभारी रहेंगे, उनका गुणगान करेंगे कि ऐसे वक्त में आपने हमारी सहायता की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।